हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बैंक एग्जाम टुडे के वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम लोग इस वीडियो में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम उस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आइडिया हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो याद रखिएगा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आइडिया हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट चीज जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि पार्लियामेंट के बारे में कहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो याद रखिएगा, पार्ट फिफ्थ के सेकेंड चैप्टर में पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। पार्ट फाइव हमें यूनियन के बारे में बताता है और इसमें टोटल 6 चैप्टर है और सेकेंड चैप्टर में पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बताऊंगा जिन्हें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन 4 आर्टिकल्स ही पूछे जाते हैं। सबसे पहला है आर्टिकल 79। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताता है और ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस को मिलाकर बना है। यहाँ पर 2 हाउसेस जो हैं वो हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को हम बोलते हैं अपर हाउस। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का मेंबर तो होता है लेकिन पार्लियामेंट में वो बैठता नहीं है। इसको हम मेंबर इसीलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी बिल्स लोकसभा और राज्यसभा में पास होते हैं वो लॉ तभी बनते हैं जब प्रेसिडेंट उन पर साइन करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 हमें कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा के बारे में बताता है। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 81। ये हमें कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा के बारे में बताता है और लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। आर्टिकल 85 हमें सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन के बारे में बताता है। पार्लियामेंट को हम हिंदी में संसद बोलते हैं और पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में संसद भवन में होती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में काफी बार पूछा जाता है वो ये है कि पार्लियामेंट को किसने डिजाइन किया। तो याद रखिएगा, पार्लियामेंट को एडवर्ड ल्यूटेंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया। पार्लियामेंट जो है वो 26 जनवरी 1950 को फॉर्म हुआ था। इससे पहले पार्लियामेंट को हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के नाम से जानते थे। हर साल पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। इसमें जो बजट सेशन होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट सेशन है और जो सबसे छोटा सेशन होता है वो है विंटर सेशन। बजट सेशन चलता है फरवरी से लेके मई तक, मॉनसून सेशन चलता है जुलाई से लेके सितंबर तक और विंटर सेशन चलता है नवंबर से लेके दिसंबर तक। बजट सेशन सबसे लॉन्गेस्ट सेशन होता है और विंटर सेशन सबसे शॉर्टेस्ट सेशन होता है। बजट सेशन में रेलवे बजट और जनरल बजट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं रेलवे मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा, लेकिन 2017 से रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया जाएगा और एक ही बजट पेश किया जाएगा जो करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा जो हर साल कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। याद रखिएगा, जो मैक्सिमम गैप है 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बीच में वो है 6 मंथ्स और जो हमारी पार्लियामेंट है वो हर साल एटलीस्ट 2 बार मिलती है। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आर के बारे में। क्वेश्चन आर में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंसर्न्ड मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछता है जिसका जवाब मिनिस्टर को ओरली या राइटिंग में देना होता है। क्वेश्चन आर के दौरान 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चंस। स्टार्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें ओरल आंसर रिक्वायर्ड होता है और इसमें मेंबर स्पीकर की परमिशन से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि एक मेंबर एक दिन में एक ही स्टार्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अनस्टार्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें रिटन रिप्लाई रिक्वायर्ड होता है
और रिप्लाई आने के बाद कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो ये हैं दो टाइप के क्वेश्चंस जो क्वेश्चन आर में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आर लोकसभा में सबसे पहले घंटे में होता है, यानी कि 11 से लेके 12 बजे तक क्वेश्चन आर चलता है लोकसभा में, और राज्यसभा में क्वेश्चन आर चलता है 12 बजे से लेके 1 बजे तक। नेक्स्ट है जीरो आर। जीरो आर में प्रायर नोटिस दिए बिना पब्लिक इम्पोर्टेंस के इशू उठाए जाते हैं। लोकसभा में जीरो आर 12 बजे से लेके 1 बजे तक चलता है, और राज्यसभा में जीरो आर 11 बजे से लेके 12 बजे तक चलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्यूरम के बारे में। क्यूरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस, यानी कि कितने लोग हाउस में प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हाउस में बिजनेस हो सके। आर्टिकल 100 हमें क्यूरम के बारे में बताता है, और ये कहता है कि जो क्यूरम है वो 10% ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस के बराबर होता है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ कि क्यूरम होता क्या है। सपोज एक हाउस में 250 सीट्स हैं, तो उसमें क्यूरम जो होगा वो होगा 25, यानी कि 10% ऑफ 250। इसका ये मतलब हुआ कि उस हाउस में एटलीस्ट 25 लोग होने चाहिए ताकि उस हाउस में बिजनेस हो सके। अगर हाउस में क्यूरम नहीं होगा तो चेयरमैन हाउस को एडजर्न कर देगा, या फिर उसे वो सस्पेंड कर देगा जब तक हाउस में क्यूरम ना हो। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्यूरम के बारे में जो आप लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को हम अपर हाउस और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। आर्टिकल 80 हमें कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा के बारे में बताता है। आर्टिकल 80 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आपको इसे याद करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो राज्यसभा में हो सकते हैं वो है 250, लेकिन एट प्रेजेंट 245 है। इन 245 मेंबर्स में से 229 मेंबर्स स्टेट असेंबली से आते हैं और बाकी 4 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से आते हैं। इन 4 मेंबर्स में से 3 मेंबर दिल्ली से आते हैं और 1 मेंबर पुडुचेरी से आता है। इसके अलावा 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन एंड दीव और दादर एंड नागर हवेली का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है राज्यसभा में। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि राज्यसभा में मैक्सिमम सीट्स किस स्टेट की हैं। तो याद रखिएगा, राज्यसभा में मैक्सिमम सीट्स उत्तर प्रदेश की हैं। नेक्स्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो उसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना होगा, उसकी उम्र 30 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए, वो इलेक्टेड होना चाहिए बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और उसका नाम जो है वो वोटर्स लिस्ट में होना चाहिए। तो ये हैं कुछ क्वालिफिकेशन जो एक व्यक्ति को फुलफिल करनी होती हैं अगर उसे राज्यसभा का मेंबर बनना है। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों को राज्यसभा के बारे में पता होना चाहिए वो ये है कि राज्यसभा को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन लोकसभा को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है राज्यसभा का ओवर लोकसभा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशन ऑफ राज्यसभा के बारे में। सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि मनी बिल्स जो होते हैं वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है उस बिल को रिटर्न करने का। अगर इन 14 दिन में राज्यसभा बिल रिटर्न नहीं करती है तो ये डिक्लेयर किया जाता है कि जो बिल है वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द्वारा पास किया जा चुका है। तो राज्यसभा का मनी बिल्स में एक बहुत ही छोटा रोल होता है, और इसीलिए ये एक लिमिटेशन है राज्यसभा की। नेक्स्ट लिमिटेशन राज्यसभा की है ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट बुलाता है और इसे प्रिसाइड करती है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये तब बुलाया जाता है जब एक डेडलॉक होता है बिटवीन राज्यसभा और लोकसभा। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में किसी भी बिल को पास करने के लिए दोनों हाउसेज ऑफ मेंबर्स को वोट करना होता है, और वोटिंग के रिजल्ट्स पर ये डिपेंड होता है कि वो बिल पास होगा या नहीं।
क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट डबल है एज कम्पेयर टू राज्यसभा, तो लोकसभा के मेंबर का वोट डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इसीलिए ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि राज्यसभा का जो साइज है वो छोटा है, इसीलिए ये एक लिमिटेशन है राज्यसभा की। जो आखिरी लिमिटेशन है राज्यसभा का वो ये है कि राज्यसभा का कोई भी मेंबर मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं ला सकता। तो ये है तीन लिमिटेशन ऑफ राज्यसभा जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 1/3 मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर होते हैं हर 2 साल के बाद, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते हैं 6 साल बाद। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। ये वो लोग होते हैं जिनका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इन फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस में, और याद रखिएगा इनका टर्म 6 साल का होता है। वैसे तो काफी मेंबर्स नॉमिनेट हुए 2016 में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो नॉमिनेट हुए 2016 में वो हैं सुब्रमण्यम स्वामी, एमसी मैरी कॉम और रूपा गांगुली। ये सब 2016 में नॉमिनेट हुए हैं और ये रिटायर होंगे 2022 में। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और करंट चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। चेयरमैन सभी ही मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है, और इन्हें इनकी पोजीशन से तभी हटाया जा सकता है अगर इन्हें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन से हटाया जाता है। चेयरमैन वैसे तो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता और वो वोट नहीं कर सकता, लेकिन अगर कभी टाई होता है तो चेयरमैन अपना वोट डाल सकता है। डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन की ड्यूटीज परफॉर्म करता है अगर चेयरमैन का ऑफिस वेकेंट होता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट है डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। करंट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैं पीजे कुरियन। अगर कभी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एब्सेंट होते हैं तो डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करते हैं राज्यसभा के सेशन को। डेप्यूटी चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। बोथ चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा में अपना वोट नहीं डाल सकते, लेकिन अगर कभी टाई होता है तो ये लोग अपना वोट डाल सकते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, और इन्हें हटाया भी जा सकता है। उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करना होगा राज्यसभा में विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। नेक्स्ट है लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में है अरुण जेटली, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं और ये बीजेपी के मेंबर हैं। लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा में कोई कैबिनेट मिनिस्टर होता है या फिर कोई नॉमिनेटेड मिनिस्टर हो सकता है। नेक्स्ट है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में है गुलाम नबी आजाद, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर हैं। देखिए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने के लिए 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। सबसे पहले लीडर को उस हाउस का मेंबर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि लीडर उस ऑपोजिशन पार्टी का होना चाहिए जिसकी सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, और थर्ड वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के द्वारा। तो ये है वो 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को सेटिस्फाई करना होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा को हम लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ पीपल भी बोलते हैं। आर्टिकल 81 हमें कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा के बारे में बताता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे आपको याद रखना है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स लोकसभा में 552 हो सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट 545 हैं। इन 545 मेंबर्स में से 530 मेंबर इलेक्ट होते हैं स्टेट से, और 13 मेंबर इलेक्ट होते हैं यूनियन टेरिटरी से। प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेट करता है लोकसभा में, और टोटल 131 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। इन 131 सीट्स में से 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड होती हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। याद रखिएगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स सिर्फ लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं है, और लोकसभा में सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही सीट्स रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट, आप लोगों को पता होना चाहिए टर्म ऑफ लोकसभा के बारे में। टर्म ऑफ लोकसभा जनरली 5 साल का होता है अगर लोकसभा को बीच में डिसॉल्व नहीं किया जाता, और इमरजेंसी के टाइम में लोकसभा का टर्म
एक साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा एडिशन ऑफ लोकसभा अभी चल रहा है। तो याद रखिएगा 16th एडिशन ऑफ लोकसभा अभी चल रहा है और ये इलेक्ट हुआ था 2014 में। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बन सकता है अगर वो इंडिया का सिटीजन है, उसकी उम्र 25 साल या उससे ज्यादा है, वो कोई प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल नहीं है और उसका नाम कंट्री के किसी भी इलेक्टोरल रोल्स में है। तो ये हैं कुछ कंडीशन जो मेंबर ऑफ लोकसभा बनने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा पावर ऑफ लोकसभा के बारे में। सबसे पहली पावर है कि जो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस और पास होता है लोकसभा में, और मनी बिल्स जो होते हैं वो सिर्फ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं लोकसभा में। तो ये दो इम्पोर्टेंट पावर्स हैं लोकसभा में जो राज्यसभा में नहीं है। अब मैं आप लोगों को लोकसभा के लिमिटेशन के बारे में बताऊंगा। अगर कभी नेशनल इमरजेंसी से पहले या बाद में लोकसभा डिसॉल्व होती है तो राज्यसभा अकेले ही पार्लियामेंट का काम करती है, क्योंकि राज्यसभा को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते और लोकसभा को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। तो एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है लोकसभा का जो आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं सुमित्रा महाजन और ये दूसरी महिला स्पीकर हैं लोकसभा की। पहली महिला स्पीकर लोकसभा की हैं मीरा कुमार और जो पहले स्पीकर हैं लोकसभा के वो हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। स्पीकर ऑफ लोकसभा को इलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा और वो व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर तब तक रहता है जब तक नया हाउस एक नए स्पीकर को सिलेक्ट नहीं करता। लोकसभा का स्पीकर लोकसभा के मेंबर्स में से ही चुना जाता है लोकसभा के फर्स्ट मीटिंग के बाद। अब मैं आप लोगों को लोकसभा के स्पीकर के कुछ इम्पोर्टेंट पावर्स और फंक्शंस बताऊंगा। सबसे पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा कंडक्ट करता है बिजनेस हाउस में। वो डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं। वो डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करता है हाउस में और वो पनिश कर सकता है किसी भी मेंबर को उसके अनरूली बिहेवियर के लिए। इसके अलावा स्पीकर ऑफ लोकसभा परमिशन देता है वेरियस काइंड्स ऑफ मोशन और रेजोल्यूशन को मूव करने की, जैसे कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ एडजर्नमेंट, मोशन ऑफ सेंसर एंड कॉलिंग अटेंशन नोटिस एज पर द रूल्स। इसके अलावा स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करता है जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा का, जिससे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन और पावर स्पीकर ऑफ लोकसभा के जो आप लोगों को याद होने चाहिए। नॉर्मली जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो वोटिंग में पार्ट नहीं लेता, लेकिन अगर कभी टाई होता है तो स्पीकर अपना वोट को कास्ट कर सकता है। नेक्स्ट है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। करंट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं एम तिम्बुदराई। अगर कभी स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट होता है तो डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करता है लोकसभा के सेशन को। डेप्यूटी स्पीकर अपना ऑफिस तब तक होल्ड करता है जब तक वो लोकसभा का मेंबर रहता है या फिर वो रिजिग्नेशन नहीं दे देता। डेप्यूटी स्पीकर को हटाने के लिए लोकसभा में एक रेजोल्यूशन मेजोरिटी से पास करना होता है। नेक्स्ट है लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा में है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में कोई भी नहीं है। देखिए, अगर कोई भी ऑपोजिशन पार्टी को 10% सीट्स नहीं मिलती तो उस हाउस में कोई भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं होता। याद रखिएगा, सिंगल पार्टी को 10% सीट्स मिलनी चाहिए, ना कि किसी अलायंस को। तो याद रखिएगा, लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा में है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लोकसभा में कोई भी नहीं है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट तब बुलाया जाता है अगर एक बिल को लेकर दोनों हाउसेस के बीच में डेडलॉक होता है। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं और इसे प्रिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट होते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करते हैं, और अगर डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एब्सेंट होते हैं तो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को प्रिसाइड करते हैं। डेडलॉक हटाने के लिए जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में बिल पर वोटिंग की जाती है। इस वोटिंग में
दोनों हाउसेस के मेंबर वोट करते हैं और वोटिंग के रिजल्ट से ये डिसाइड होता है कि बिल पास होगा या नहीं। क्योंकि लोकसभा की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट डबल है एज कम्पेयर टू राज्यसभा, तो लोकसभा का जो डिसीजन होता है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। याद रखिएगा, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के, जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे पेपर में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट तब बुलाया जाता है अगर बिल एक हाउस से पास होता है लेकिन दूसरा हाउस उस बिल को रिजेक्ट कर देता है, या फिर एक हाउस द्वारा बनाए गए अमेंडमेंट्स दूसरे हाउस को एक्सेप्टेबल नहीं होते जिससे वो बिल ओरिजिनेट किया था, तब भी ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जा सकता है। या फिर अगर एक बिल 6 महीने से अटका हुआ है और वो पास नहीं होता, तब भी ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जा सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार पेपर में पूछा जाता है वो ये है कि इंडिया में ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट अभी तक कितनी बार बुलाया जा चुका है। तो याद रखिएगा, इंडिया में ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट 3 बार बुलाया जा चुका है। आप लोगों को वो 3 बिल्स के नाम भी पता होने चाहिए जिसकी वजह से ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया गया है। सबसे पहले है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 का, नेक्स्ट है बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1978 का और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 का। तो ये है वो 3 बिल जिसकी वजह से ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया गया था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।